गोविंदनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नमकीन फैक्ट्री में मंगलवार सुबह तड़के तकरीबन 5:30 बजे आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर कर्मियों ने फैक्ट्री के अंदर जाकर आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल की 2 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। CFO दीपक शर्मा ने बताया कि पनकी साइट नंबर 5 के पास बनी फ्रेजी फूड नमकीन फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिनी कंट्रोल रूम में मिली थी। इसके बाद फजलगंज और पनकी फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर आग पर काबू पाया जा सका। कोई भी जनहानि नहीं हुई है। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि लाखों का नुकसान हुआ है।